Hello student, how are you? I hope all are good at your home and I hope so you have completed word meaning of this chapter in your fair notebook. Today we are going to discuss long answer questions. So listen to me carefully and after this you have to write in your fair notebook. First question is, what do you mean by democracy? As you all know, democracy is a form of government where the people govern themselves directly or through elected representatives. कि डेमोक्रेसी एक सरकार का प्रकार है जहां लोग के द्वारा शासन किया जाता है डायरेक्टली और through elected representative और उनकी जो प्रतिनिधित्व उनके द्वारा चुने जाते हैं उनके द्वारा. There are two forms of democracy. Democracy की दो forms है. We have already taught direct democracy. Direct democracy means in this people directly participated in the process of governance. कि इस direct democracy में क्या होता है कि जो लोग सीधे ही participate करते हैं governance की process में प्रक्रिया में are free to vote. वो वोट करने के लिए फ्री होते हैं. टू मेक लॉज, लॉज बनाने के लिए फ्री होते हैं. इलेक्ट और डिसमिस, उसको चुनने और डिसमिस करने में. ऑफिशियली एंड कंडक्ट ट्रायल्स देमसेल्व्स. एंशिएंट ग्रीक्स हैड ए फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. सो जो एंशिएंट ग्रीक्स है वो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है. सेकेंड काइंड्स ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं हु टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, जो उनकी तरफ से उनके निर्णय लेते हैं. दिस इज आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी पुकारा जाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज प्रिवेलेंट इन इंडिया, द यूएसए एंड फ्रांस. प्रिवेलेंट मीन्स प्रचलित है. कि जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो हमारे इंडिया में, यूएसए में और फ्रांस में प्रचलित है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ कैन सिटीजन कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. कि डेमोक्रेसी की सफलता में जो सिटीजन्स होते हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे सहयोग करते हैं. लेट अस सी. सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म ए गवर्नमेंट. कि गवर्नमेंट के एक प्रकार के लिए वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं. द राइट टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स लाइज विद द पीपल. और पीपल के अंदर से वो अपने प्रतिनिधियों को, सही प्रतिनिधियों को चुनते हैं. सेकेंड इज सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. और जो सिटीजन्स हैं वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं किस बेस पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बेस पे. ऑल एडल्ट सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट. और जितने भी एडल्ट सिटीजन्स होते हैं उनको वोट करने का राइट्स होता है, अधिकार होता है. थर्ड पॉइंट इज सिटीजन्स हैव द राइट टू चेंज और रिमूव द गवर्नमेंट. कि जो सिटीजन्स हैं उनको अधिकार होता है गवर्नमेंट को चुनना और उनको हटाने में. दिस इज prevents the government from acting in a dictatorial manner. कि जो dictatorial manner में अगर वो काम करने लगती है तो हर किसी को prevents, रोक सकते हैं अपने citizens, उनको remove करके और उनको change करके. Now citizens can use various platforms to voice their opinions. कि जो citizens हैं वो विभिन्न प्लेटफॉर्म का यूज भी कर सकते हैं अपनी विचारों को प्रकट करने के लिए, अपनी आवाज को सुनाने के लिए. फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनको अपने भाषण में स्वतंत्र होते हैं. एंड पब्लिक ओपिनियन, और पब्लिक ओपिनियन के लिए. इंश्योर रेगुलर पार्टिसिपेशंस ऑफ द सिटीजन्स इन द पॉलिटिकल प्रोसेस. और जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें जो सिटीजन्स है उनका नियमित रूप से पार्टिसिपेशंस होना आश्वस्त है. Now third question is, what are various facts that a voter must keep in mind at the time of voting? कि जब चुनाव वोटिंग करने के टाइम जो उसके जो फैक्ट्स होते हैं एक अपने वोटर्स के, वो कैसे होने चाहिए, कि उनके दिमाग में क्या होना चाहिए जब वो वोटिंग करते हैं. So let us see. This is the time that a citizen's sense of
कमिटमेंट टू द कंट्रीज वेलफेयर एक्वायर्स ग्रेट इम्पोर्टेंस। जब वो इलेक्ट वोटिंग करता है तो उसे ये कमिटमेंट लेना चाहिए अपने कंट्री के वेलफेयर के लिए कि जो भी मैं कैंडिडेट चुनूं वो अपने कंट्री के लिए वेलफेयर में हो, वो इम्पोर्टेंट हो। नाउ सेकंड इज इट इज एवरी वोटर्स ड्यूटी, कि प्रत्येक वोटर्स की ड्यूटी है टू फाइंड आउट, ये तलाश करने की कि ऑल अबाउट ईच कैंडिडेट्स रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट इन पब्लिक लाइफ, कि पब्लिक लाइफ के अंदर उसके जितने भी अचीवमेंट हैं, उसके रिकॉर्ड्स के अचीवमेंट है, वो कैंडिडेट के बारे में हर सिटीजन को पता होना चाहिए। नाउ थर्ड इज ही और शी शुड बी एबल टू जज, कि फीमेल हो या मेल हो उसे ये जज करने में एबल होना चाहिए कि द जेन्युइननेस ऑफ पार्टीज एंड देयर कैंडिडेट्स टूवर्ड्स द कंट्रीज वेलफेयर, कि जो भी कैंडिडेट वहाँ खड़ा होगा वो कोई भी कम्युनिटी का हो, किसी भी समुदाय का कैंडिडेट्स हो, वो देश के वेलफेयर के लिए ही काम करे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डू कैंडिडेट्स मिसलीड वोटर्स, कि कैसे वो उनको दिग्भ्रमित करते हैं। सो लेट अस सी, दे अपील टू कास्ट, कि वो उनको बताते हैं कि कास्ट के अकॉर्डिंग वो वोट मांगते हैं, रिलीजियस के अकॉर्डिंग वोट मांगते हैं, और रीजनल लॉयल्टीज और अपने जो क्षेत्रीय वफादारी उसको दिखाते हैं, इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्टिंग द रियल इश्यूज बाय द पब्लिक, कि पब्लिक के द्वारा जो रियल इश्यूज हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। वोटर्स आल्सो गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड गिव दीज फैक्ट्स ड्यू इम्पोर्टेंस, और जो वोटर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस यानी उनको प्रभावित करते हैं एंड गिव दीज फैक्ट्स, और ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंस होते हैं उन्हीं के ऊपर उनको ध्यान रखना चाहिए। दे आर ऑफर्ड कन्वेंस टू बी टेकन टू द पोलिंग बूथ, और वो क्या करते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव जो वोटर्स के लिए क्या करते हैं वो कैंडिडेट, कि वो उनको कन्वेंस की जहाँ पोलिंग बूथ हो रहा है वहाँ उनको ले जाने के लिए कन्वेंस अवेलेबल करवाते हैं। दे आर इवन गिवन फूड, और यहाँ तक भी वो उनको भोजन देने के लिए भी टेम्पिटेशन प्रलोभन देते हैं, एंड प्रोवाइडेड विद अदर सर्विसेज, और दूसरी इसी तरह की और सर्विसेज भी देते हैं। सो इस प्रकार वो उनको मिसलीड करते हैं। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ आर कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व्ड इन ए डेमोक्रेसी, कि कैसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो डिस्प्यूट है संघर्ष उनको डेमोक्रेसी के अंदर हल किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट लेट अस सी, द पुलिस एंड लोकल अथॉरिटीज प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन टेकिंग डिसीजन विच विल सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इस टाइम जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजोल्व करने में जो पुलिस है और लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो एक अच्छा सिग्निफिकेंट एक अच्छा रोल प्ले करती हैं, उनका जो जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के अच्छे डिसीजन लेती हैं। सेकंड पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट्स में ओक्योर मीन्स हैपन होना, कि जो संघर्ष घटित होते हैं बिटवीन टू स्टेट्स और बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, कि या तो दो राज्यों के बीच में या दो राज्य सरकारों के बीच में, एंड द गवर्नमेंट एट द सेंटर, तो जो डिस्प्यूट होते हैं या तो दो राज्यों के बीच में होते हैं या राज्यों की सरकारों के बीच में होते हैं जो गवर्नमेंट में सेंटर जो सेंटर में गवर्नमेंट है। फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी कन्फ्लिक्ट ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, कि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये संघर्ष हो सकता है किसी के पानी के बंटवारे को लेकर, बिटवीन डिफरेंट एरियाज की जो अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं या स्टेट्स हैं, थ्रू विच द रिवर पासेज, जहाँ से जिस स्टेट से वो रिवर गुजरती है, सच इश्यूज इस प्रकार की जो इश्यूज है कारण है कैन बी रिजोल्व्ड बाय बिलैटरल टॉक, कि दोनों द्विपक्षीय द्वारा मतलब दोनों पक्षों के द्वारा उनको सोल्व किया जा सकता है। टॉक बिटवीन मतलब बातें करके बिटवीन द कंसर्न स्टेट, कि जो भी उसमें दोनों स्टेट के बीच में मुद्दा चल रहा है उनके बीच में टॉक करके उसको सोल्व किया जा सकता है, या बाय इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या इसको इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अध्यक्षता इसके बीच में हो सकती है। सो माई डियर स्टूडेंट दीज आर अवर लॉन्ग क्वेश्चंस, सो यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक। टिल नाउ हैव ए नाइस डे।